चलते रहो चलते रहो, इनको छेड़ो मत, आराम से। शेषनाग महाराज जो पहाड़ में अंदर है, ये प्राकृतिक है, ये मंदिर पांडव कालीन है। दिखाता हूँ आपको अंदर से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम धीरे धीरे नलदेश्वर महाराज के मंदिर की ओर प्रस्थान करते हो। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते चल रहे हैं। मैं और जीत हुआ है एक बार, जब तो फेर टी लेगा मोटरसाइकिल। क्या मैसेज सब हो पैर पैर में जी नीचे नीचे क्या बात है। अभी हम वहाँ चलेंगे ऊपर की चोटी पे, जैसा कि देख रहे हैं गाइस। तो चलिए मेरे साथ। गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी जो मंदिर है हम चलने वाले हैं, वो बहुत ही ऊंचा है। देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं, देखो कितना ऊंचा। अभी हमें उस पहाड़ के ऊपर जाना है वहाँ पे, और हमारे साथ कोई नहीं है इस घने जंगल में। शेर का भी डर है, हम मात्र तीन बंदे हैं साथ में, एक हमारे भैया जी। गाइस, जैसा कि देख रहे हो, ये जंगल है सरिस्का रिजर्व के नाम से फेमस है राजस्थान के अलवर जिले में। और ये काफ़ी, जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ये जंगल बहुत ही घना निकलता जा रहा है। पानी नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, क्या पानी नहीं है बिल्कुल भी, खत्म हो गया बिल्कुल जंगल। लग रो नदी को भी चल 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 भाई, रुको मत, जंगल में बीच में आओ तुम। थोड़ी सी दूर बरसात के मौसम में तो बढ़िया जगह है, बारिश के मौसम के लिए। हमने यही गाड़ी गाड़ी करी नीचे। अच्छा, यहाँ से कितनी दूर है? पीछे ही है। मेरे को तो सुनाई ना देंगे, तो जंगल में सन्नाटा पसर पड़ा है। सरिस्का का यह है, सरिस्का नेशनल पार्क अलवर। बात है, मजा आ जाएगा। झरने की क्या शानदार है। ये है सरिस्का का जंगल। नलदेश्वर महाराज की जय। नमस्ते
नमस्ते। बोलो। चल भाई। चलो 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 जाएंगे। ना ना परेशान ना करेगा। ये तो बहुत सी तो जी है। चलते रहो इनको छेड़ो मत आराम से। ये परेशान ना करेंगे बिल्कुल भी। ये परेशान ना करें बिल्कुल भी। हाँ नहीं तो यहीं से फेंक देंगे। वाह क्या जगह है यार। नमस्ते नमस्ते। जाने दो। आप गए नहीं अभी? अच्छा चलो जी। क्या जगह है। आजा भाई आजा भाई आ गया। सीन नहीं इधर का। ये डंडो पटक रहा हूँ भाई। और कितनी दूर है? यार शानदार जगह है। शानदार है। मैं भी पहली बार आया हूँ। तो गाइस ये सीन देखने के बाद जो कि अलवर जिले में पड़ता है सरिस्का में अंदर, मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। ये सीन देखने के बाद मैं अलवर का रहने वाला पहली बार इस जगह पे आया हूँ जो मेरे को बहुत ही अच्छी लग रही है। इससे आगे इस जगह के आगे शिमला भी फेल है। देखिएगा कुछ ही क्षणों में हमने अमलेश्वर महाराज जी के दर्शन करने वाले हैं। वो मंदिर ये रास्ता है। ये रास्ता है सकड़ा। आराम से है कहाँ ऊपर वे। आवाज सुनो पानी की। दोस्तों ऐसी ऐसी वीडियो के लिए हम ऐसी ऐसी जगह आते हैं कि आप एक फॉलो नहीं कर सकते हमारे चाहे पेज को। एक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये है नलदेश्वर महाराज का धाम। ये ऊपर सीढ़ियों से चढ़ना पड़ेगा। अब हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। ये आ रहे हैं उतर के ऊपर से। चलो सीढ़ी टूटी पड़ी है। ये रास्ता है नलदेश्वर महाराज का। मैं यार सांस फूल रही है। आराम से रहो भाई। काम कर रही है। आठ भी तेज हो रही है। आराम से और आराम चल भाई। थक गए यार। बैठ दे दो मिनट। जगह जोरदार है यार। कुछ भी पानी ना है ना। ड्रोन कैमरे जैसे के तो पैसे वसूल है भैया। हाँ ऐसे उड़ते जैसे उड़ रहा है। दोस्तों ये है नलदेश्वर धाम। पांडवों के समय का है ये। अज्ञातवास में यहीं से होके पांडव विराटनगर को गए थे। ये देखो अंदर क्या है। वीडियो वीडियो अंदर। महादेव जी का मंदिर है। महादेव जी का मंदिर शेषनाग महाराज जो पहाड़ में अंदर है। ये प्राकृतिक है ऐसे ही बना हुआ है। ये पहाड़ में पांडव कालीन है ये सब। ये मंदिर पांडव कालीन है। दिखाता हूँ आपको अंदर से। जय हो भोलेनाथ। ये पांडव कालीन ही मंदिर है भोले बाबा का। गणेश जी महाराज की ये शिवलिंग है।
ये सारी जगह पांडवकालीन है। गुफा के अंदर पांडव ने, पहाड़ है पूरा। पीपल की पेड़ की जो है, पीपल को पेड़ हो रही बांटो ना पूरा। ये अंदर भी गुफा है, अंदर भी जा रही है हम गुफा। ये पहाड़ है पूरा जिसके अंदर ये गुफा है, और ये गुफा में मंदिर है ये जो आपको भी दिखाया। ये पहाड़ है पूरा, इसमें ये मंदिर है नलदेश्वर महाराज का। चले नीचे, ये महाराज जी हैं यहाँ जो पूजा पाठ करते हैं। जय महाराज। शुक्रिया भाई। हेलो। हाँ भाई, महाराज जी कितना पुराना मंदिर है ये? सतयुग का है। सतयुग का है ये? अच्छा, 5500 साल तो पांडवों ने हो गए। 5500 साल तो हाँ पांडवों को। नल राजा था। अच्छा अच्छा, सालों की बात करो। नल राजा के समय का है ये। ये है योगेश नाथ महाराज जो यहाँ के सबसे, इन्हीं की कुटिया है ये।